हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल मैथ शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं यहां पे टॉपिक सेलेक्ट किया हूं, टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क। दोस्तों मैं इसका आज पार्ट थर्ड भाग लेके आया हूं। पार्ट वन में दोस्तों मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बता चुका हूँ और पार्ट टू में इसके कुछ क्वेश्चन को बता चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन एंड टू, इसमें मैं क्वेश्चन के बारे में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, डिस्कशन कर चुका हूँ। पार्ट थर्ड में मैं इसके क्वेश्चन के बारे में ही और जो अदर टाइप हैं उसके बारे में दोस्तों मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। हेलो दोस्तों, हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आपको, चलिए मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ। दोस्तों पार्ट वन पार्ट टू में मैं इसके क्वेश्चन को बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया वहाँ तक। पार्ट टू में मैं दोस्तों टाइप एट तक बता चुका हूँ। दोस्तों टाइप नाइन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ। दोस्तों टाइप का मतलब आप समझिए कि कॉन्सेप्ट है प्लस क्वेश्चन है। तो टाइप नाइन में दो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है, किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन को पहले मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, सर्कल में पढ़ लीजिए आसानी से, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। दोस्तों इतना ध्यान रहे, एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन एक ही बार पढ़ के समझना है, आपको बार बार पढ़ने का मौका नहीं लगेगा। यहाँ वीडियो में मैं कई बार पढ़ देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि आपको कोई, ताकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम आप पढ़ते ही क्वेश्चन को समझ जाइए। दोस्तों क्वेश्चन रहा, किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। 10 दिनों के बाद, जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं, तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, बस डाटा चेंज करता है। यहाँ 110 की जगह 100 आदमी रखेगा, 300 आदमी रखेगा, 400 आदमी रखेगा, और इस 40 दिन की जगह 60 दिन रखेगा, 80 दिन रखेगा, और 10 दिन के बजाय 15 दिन कर देगा। 15 दिन बाद दोस्तों इसमें इतने आदमी इंक्लूड हुए, इतने सिपाही इंक्लूड हुए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके से एक ही क्वेश्चन में बना के पूछ सकता है। बस आपको एक टाइप सीख लेना है, उसके बाद आप जो है आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन मेरा आप पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं। आइए मैं फिर से आपको क्वेश्चन पे एक बार पढ़ के दिखाता हूँ कि कैसे मैं आगे सॉल्व किया हूँ। किसी बैरक में, बैरक का मतलब जो छावनी होती है जहाँ पे सिपाही लोग रहते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन आप समझिए कि किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। जी हाँ दोस्तों, 110 सिपाही रहते तो 40 दिन तक आसानी से खा सकते थे, लेकिन 10 दिनों के बाद किसी दूसरे बैरक से 40 सिपाही और आ जाते हैं उस बैरक में, तो दिक्कत होती है उनके लिए। अब खाना कितने दिन तक चलेगा? अगर 110 रहते 40 दिनों तक आराम से वो भोजन कर सकते थे, लेकिन 10 सिपाही और आ जाने से, 10 दिनों के बाद 40 सिपाही और आ जाने के बाद वो भोजन कितना दिन तक चलेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिनों की संख्या पूछ रहा है हमसे कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा। बस यहाँ पे पूछता है, इसके सेकंड टाइप में क्या होगा, वहाँ पे पूछेगा कि स्टार्टिंग में कुछ आदमी की संख्या नहीं दे रखेगा, बाद में बताएगा कि इतने जो है आदमी इंक्लूड होते हैं तो कितने दिनों तक भोजन चलेगा, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो वो सेकंड क्वेश्चन की बात है। आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप मान लीजिए, आप जितने दिनों की संख्या पूछे आप उसको मान लेना। कहने का मतलब आप मान लीजिए, माना 100 दिनों तक भोजन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में दे रखा है 110 सिपाही 40 दिनों तक, तो सीधे सीधे 110 सिपाही, ये 40 माइनस 10 किया हूँ, इसका क्या मतलब दोस्तों यहाँ समझ लीजिए। ये कह रहा है अगर 110 सिपाही रहते तो भोजन 40 दिनों तक चलता, लेकिन 10 दिनों के बाद 40 और आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों के बाद 40 और आ जाते, तो 110 के लिए भोजन कितने दिनों तक चलता है, यहाँ से समझिए दोस्तों। 110 के लिए भोजन जो है 40 दिन चलता है, लेकिन हुआ क्या, 110 में ही 40 और आ गए, यहाँ से समझिए। तो हम क्या करेंगे, इस 40 दिनों में से इस 10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो है यहाँ पे 30 डेज मिलेगा। कहने का मतलब 110 सिपाही 30 दिनों तक भोजन कर दे,
अगर कब, जब इसमें 40 सिपाही और आके इंक्लूड हो गए 10 दिनों के बाद। तो सीधे सीधे मैं ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सीधे आपको समझना है कि 10 दिनों के बाद इस 40 दिनों से आपको घटा दिया। कहने का मतलब 10 दिनों के बाद उसमें 40 आदमी और आ गए। पूछेगा कितने दिनों तक चलेगा, तो आपको हमने बताया कि आप मान लीजिए 100 दिनों तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको सीधे सीधे आपको ये समझना है, बस लेंदी नहीं आना है। आप 110 दिन सेलेक्ट करिए, इस 40 से इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब 30, चाहे आप 30 यहाँ डायरेक्ट लिखिए या सीधे सीधे आप घटा लीजिए। फिर 110 में आप 40 सिपाही को अलर्ट कर दीजिए। अगला कितने दिनों तक चलेगा, तो हमने आपको बताया 100 दिनों तक चलेगा। सीधे सीधे आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 40 से 10 निकलेगा 30 आएगा, और 110 से 30 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 110 प्लस 40 150 हो जाएगा मल्टीप्लाइड एक्स। आपको सीधे सीधे यहाँ से देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, ये आपका 30 पच्चे 150 कर दिया, और ये 5 दुना 10, 5 दुना 10 कहने का मतलब 22। यहाँ पे आप देखिए यक्स की, यक्स बोले तो दिनों की संख्या में लेट किया था पहले से, यक्स यक्स बराबर 22 दिन। जी हाँ दोस्तों, 22 दिन आपको मिला। अब यही रहा आपका आंसर। आपको अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि डिटेल में सर आप बताइए, सॉल्व करके बताइए, तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। दोस्तों आपको विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन इस तरीके से जानना है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइए, मैं उसके आंसर दूंगा। या फिर मैं दोस्तों आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। आप जो है दोस्तों, जैसा कि आपको x बराबर 22 दिन मिल गया, दोस्तों मैं आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक सदाबहार एपिसोड लेके आऊँगा। सदाबहार पार्ट में मैं आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगा, आपको जो हर एग्ज़ाम में लगभग मिलेगा, रेलवे NTPC में, आपको ग्रुप डी में, SSC CGL में, SSC SCL में, स्टेनो में, MTS में। कहने का मतलब दोस्तों, मैं इससे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक ऐसा पार्ट बनाऊंगा जिसमें एवरग्रीन क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको वो क्वेश्चन, कहने का मतलब आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिलता रहेगा, या कहें वैसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक पार्ट अलग से बनाऊंगा जिसमें लगभग एग्ज़ाम में आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, ये भी आया क्वेश्चन दोस्तों, घबराने की बात नहीं, लेकिन आपको मैं वो क्वेश्चन वैसे ही कराऊंगा, आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन मिलेगा विथ डाटा। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था, एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। जी हाँ दोस्तों, आप सर्कल को यहाँ से समझिए, ये क्वेश्चन है। एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था, 10 दिनों के बाद 1300 लोग और लोग वहाँ पर आ गए, जिसके कारण राशन 24 दिनों के बाद समाप्त हो गया। शुरू में इस कैंप में कुल कितने आदमी थे, कुल कितने आदमी थे, शुरुआत की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिनों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे शुरू में कितने आदमी थे, आदमियों की संख्या पूछ रहा है। जबकि मैं बताया था आपको कि दूसरे वाले क्वेश्चन में वहाँ पे आदमियों की संख्या पूछ सकता है, वहाँ पे दिनों की संख्या नहीं पूछता। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके का रहा, क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ क्वेश्चन में आदमियों की संख्या पूछा है, वहाँ दिनों की संख्या। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप सोल्यूशन करेंगे इसका। माना यक्स आदमी थे, शुरुआत में आप मान लेंगे कि यक्स आदमी प्रेजेंट थे। जी हाँ दोस्तों, आपको वहाँ पे 110 दिया था, तो आप 110 लिखे थे, यहाँ नहीं दिया है शुरुआत में कितने आदमी थे, तो हमने मान लिया यक्स आदमी है। यक्स आदमी, ध्यान दीजिए दोस्तों, 42 दिनों का राशन उपलब्ध था, 10 दिनों के बाद 42 माइनस 10, जैसे वहाँ पे था कि 40 माइनस 10, तो हमने 42 माइनस 10 था वहाँ पे, तो हमने जो है 32 लिखा था, 40 माइनस 10 था, तो हमने 30 लिखा था। बस यहाँ पे क्या है, 42 माइनस 10 है, तो हमने 32 लिखेंगे। क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन में 40 दे रखा था, यहाँ 42 दे रखा है, बस इतना ही अंतर है। 1300 लोग और वहाँ आ गए, 1300 लोग यहाँ पे और इंक्लूड हो गए, किसमें, यक्स आदमी थे पहले से और 1300 व्यक्ति आ गए।
जिसके कारण राशन 24 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब 24 दिनों से मल्टीप्लाई कर दें। कुछ नहीं, सीधे सीधे यहाँ पे आपको बस यही देखना है कि वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे कुछ और। वहाँ पे आपसे दिनों की संख्या पूछा था, यहाँ कितने आदमी हैं, आदमियों की संख्या पूछ रहा है। बस हमने माना कि स्टार्टिंग में यक्स आदमी थे, यक्स लिखा, 42 माइनस 10 किया, वहाँ पे 40 माइनस 10 हुआ था, प्लस यक्स प्लस 300। कहने का मतलब आदमियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में यक्स है, 300 और जुड़े, 24 दिनों तक चला भोजन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यक्स 42 से 10 निकला, 32 हुआ, यहाँ यक्स प्लस 1300 प्लस मल्टीप्लाई 24। अब आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना, 8 से हम सेलेक्ट करेंगे, 8 चौका 32, जी हाँ दोस्तों 8 त्रिक 24। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे यक्स के साथ 3 का मल्टीप्लाई 3x होगा, जैसा कि यहाँ मैं लिखा हूँ, और ये 13 39 होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 4 को ट्रांसपोज आप करेंगे, 4 माइनस 4x माइनस 3x बराबर आप इधर 3900 लिख सकते हैं। ये 3900 लिखा है, अब यक्स घट जाएगा, आपको मिलेगा यक्स बराबर 3900। जी हाँ दोस्तों, यक्स बराबर आपको मिला 3900। आपको यक्स बराबर कितना मिला दोस्तों, आपको यक्स बराबर मिला 3900। यहाँ पे आप देखिए, यक्स बराबर आपको मिला दोस्तों 3900। दोस्तों आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए टाइप 11 दे रखा है। टाइप 11 में, टाइप 10 में दोस्तों उससे हट के क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने टाइप हैं उतने कॉन्सेप्ट हैं, उतने कॉन्सेप्ट और उतने तरीके के क्वेश्चन। जी हाँ, टाइप 10 में क्या दे रखा है, यदि 6 आदमी, जी हाँ दोस्तों ये आप यहाँ पे देखते रहिए, ये सर्कल वाला भाग दोस्तों, 6 आदमी 5 औरतें मिलकर किसी काम को, यहाँ से देखते रहिए, 6 आदमी 5 औरतें किसी काम को 6 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 दिन में करते हैं। 3 आदमी 4 औरतें मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। बताएं 9 आदमी 15 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, एग्ज़ाम हॉल नहीं है कि हम जल्दी जल्दी करें, और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप थोड़ा सा गलती कर जाएंगे तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाएंगे। वहाँ पे गलती भी नहीं करना है, यहाँ गलती को आपको, यहाँ आपसे गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल डाटा आपके दिमाग में बराबर सही फिट होना चाहिए, तभी आप सही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटी सी बात में उसी पे ध्यान देना, मिलकर की बात किया है, कितने आदमी, 5 आदमी 4 औरतें, 5 आदमी, यह मेन, मेन मीन्स आदमी होता है, वुमेन मीन्स औरत होता है, तो मेन और वुमेन से हम इस बात को समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है 5 मेन 6 आदमी 5 औरतें किसी काम को 6 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से समझिए, मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा हूँ इतना भाग में, आप देखिए केवल यहाँ पे 5 6 आदमी, 6 आदमी लिया, 6 मेन कर दिया, प्लस 5 वुमेन कर दिया, कितने दिनों तक किए, 6 दिनों तक हमने 6 लिया, बराबर क्या कर दिया, 3 आदमी 4 औरतें, 3 मेन प्लस 4 वुमेन, उसके बाद कितने दिनों में, ये कह रहा है 10 दिनों में, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें फाइनल वैल्यू मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपको 6 मेन प्लस 5 वुमेन मल्टीप्लाइड विद 6 इक्वल टू 3 मैन प्लस 4 वुमेन मल्टीप्लाई विथ 10। अब इसको हम सॉल्व कर लिए, 2 से इस क्वेश्चन को काट देंगे, यहाँ 2 तिहाई 6, यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे पे मैं लिखा, नीचे वाली लाइन पे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 6 में करा दिया, 3 छक 18 और 5 का मल्टीप्लाई 3 से 5 तिहाई 15 वुमेन। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या किया मैं, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 3 से करा दिया, 5 तिहाई 15 वुमेन, और इससे जो है 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 5 का 20 वुमेन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देखिए ये लाइन, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन जो आपको मिला बस वही आपको सॉल्व कर देना है। बाद में जो फाइनल कोट है, हमें फाइनल कोट क्या लाना है, हमें फाइनल कोटेशन पे यहाँ पे आना है। कहने का मतलब हमें मेन और वुमेन की
जो रेशियो है वो कितनी आएगी, इफिशियंसी, यही को, इसी को हम इफिशियंसी यहाँ पे मार लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को हम 18 से घटा देंगे, 3 मैन आ जाएगा। अब 20 से जो है 15 वुमेन को घटा देंगे तो 5 वुमेन आ जाएगा। अब मैन अपान वुमेन, कहने का मतलब मैन और वुमेन का रेशियो मिला हमें 5:3, 5:3 मिला। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, चाहे आप इस इक्वेशन, चाहे इस पार्ट से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, चाहे आप इस पार्ट से टोटल वर्क निकालिए, चाहे इस पार्ट से टोटल वर्क निकालिए, बोथ आर सेम। कहने का मतलब दोनों से सेम ही आएगा आपका टोटल वर्क। हमने इस पार्ट को सेलेक्ट किया है, यहाँ देखिए टोटल वर्क के लिए हमने सेलेक्ट किया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 6, 5 मैन, मैन की इफिशियंसी 5 है, तो हमने 6 × 5 प्लस 5 × 3, क्योंकि वुमेन की इफिशियंसी 3 है, × 6, सीधे सीधे ये देखते रहिए आप, 6×5 = 30 प्लस 15, 6×5 = 30, 5×3 = 15 × 6, ये आप ऐड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, 45 × 6। आप चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हम कहेंगे आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे आप जब सॉल्व करेंगे टोटल वर्क तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इजीएस्ट फॉर्म में आपको इसको काटने में अच्छा पड़ेगा, कहने का मतलब आपको जल्दी ही आंसर देने में आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में नीचे लिखा है, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से पढ़िए, बताएं 9 आदमी 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें टोटल काम मिल गया है 270। जी हाँ दोस्तों, हमें टोटल काम मिल गया 270। अब पूछ रहा है 9 आदमी 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस पार्ट को हम देखते हैं, 9 आदमी 9 मैन और 15 वुमेन। तो सीधे सीधे मैं आपसे बताया था, इस पार्ट से देखिए, बस इस दोनों को समझते रहिए। यहाँ मैन की इफिशियंसी 5, तो 9 मैन × 5 प्लस 15 वुमेन × 3, तो कहने का मतलब 9×5 = 45, 15×3 = 45, 15×45 = 90 हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों के साथ की इफिशियंसी आ गई, 15 मैन + 15 वुमेन की इफिशियंसी हमें मिली कितनी, जी हाँ दोस्तों 90 मिल गई। अब इस 90 इफिशियंसी से हमें टोटल वर्क करवाना है 270, तो कितने दिनों में होगा, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ देखते रहिए दोस्तों, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप सीधे सीधे 270/90, यहाँ 9×27 = 00 से कट गया, तो 3 डेज, कहने का मतलब 3 डेज, 3 डेज में 9 मैन और 15 वुमेन मिल के इस काम को पूरा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको सीधे सीधे आपसे दिया रहेगा क्वेश्चन, आपसे आपको क्वेश्चन में कई ऑप्शन दिए रहेंगे, कई ऑप्शन का मतलब 3 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, 3/1 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, और -3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहने का मतलब ऑप्शन आपसे डिफरेंट तरीके के दिए रहेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिला 3। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप समझिए क्वेश्चन दे रखा है, 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बताएं 8 आदमी 3 लड़के, वहाँ पे महिलाएं थी, यहाँ पे लड़के आ गए, वहाँ पे महिलाएं थी, यहाँ पे लड़के आ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, वहाँ मिलकर काम करते थे, यहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं, इसमें उसी तरीके से है, बस उससे भी इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे मिलकर काम करवा रहा था, यहाँ पे अकेले अकेले करवा रहा है। तो 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बताएं 8 आदमी 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से समझिए, 20 आदमी 10 दिन, 20×10, यहाँ से देखते रहिए, 20×10, 20 आदमी थे तो 20 मैन हमने सेलेक्ट किया, × 10, यहाँ पे कह रहा है 10 लड़के, 10 लड़के का मतलब 10 बॉयज, बॉयज़ को हम लेंगे, लड़के को बॉयज से लेंगे, और उसके बाद 15 दिनों में करवा रहा था, 20×15, सीधे सीधे काट देंगे, 10 10 से कट गया, अब 5×20, 5×3 = 15, तो सीधे सीधे यहाँ पे मैन और बॉय की इफिशियंसी हम निकाल लेंगे, या रेशियो निकालेंगे, जो कि उनकी इफिशियंसी आएगी मैन बाई बॉय, तो M/P, मैन की इफिशियंसी 3 मिली,
और बॉय की इफिशियंसी 4 मिली। वहाँ पे मेन और वुमेन था, यहाँ पे आदमी और बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आदमी और बच्चे हैं, आपको ध्यान देना। अब मैं जैसे वहाँ पे बताया था टोटल वर्क निकालना है, चाहे आप इस पार्ट को सेलेक्ट करके टोटल वर्क निकालिए, चाहे इस पार्ट को सेलेक्ट करके टोटल वर्क। हमने फर्स्ट पार्ट को सेलेक्ट किया है, देखिए टोटल वर्क इक्वल टू 20, मेन की इफिशियंसी 3 है दोस्तों, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 मल्टीप्लाई 3 और कितने डेज तक, 10 डेज तक, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 20 से आई 60 मल्टीप्लाई 10 तो 600, कहने का मतलब यहाँ पे हमें मिला पूरा 600 टोटल वर्क। अब इस 600 वर्क को हमें कितने आदमियों से करवाना, 4, 8 आदमी और 3 लड़कों को साथ लेके, 8 आदमी और 3 लड़के, 8 आदमी और 3 लड़के की इफिशियंसी क्या होगी, यहाँ पे आप दोस्तों देखते रहिए। यहाँ पे मैं लिया हूँ 8 मैन और 3 बॉयज़, ठीक है दोस्तों, 8 मैन और 3 बॉयज़, तो 8 मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि 3 की मैन की इफिशियंसी है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 3, सॉरी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विथ 4, कहने का मतलब बॉय की इफिशियंसी 4 है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 3 24 और यहाँ पे 4 3 12, इन दोनों को ऐड किए तो हमें 36 मिला। अब इन दोनों की इफिशियंसी हमें 36 मिल गई। जी हाँ दोस्तों, हमें इन दोनों की इफिशियंसी 36 मिल गई। अब इस 36 इफिशियंसी से ये टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है 8 आदमी 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज आप सीधे सीधे सेलेक्ट करेंगे, 600 बटा 36, आपको कितने दिनों में वर्क हुआ है पता चल रहा है। 12 3 36 सेलेक्ट करिए, 12 25 60। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 50 बटे आपको 3 मिलेगा, 50 बटे 3 को आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3। जी हाँ दोस्तों, 50/3 को आप सॉल्व करेंगे, 3 16 में 48 होगा, और 48 2 50/3, यही आपका आंसर रहा फाइनल आंसर। जी हाँ दोस्तों, 16 सही 3/2। दोस्तों आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जब इसके सदाबहार क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप जो है मेरे चैनल पर आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे इस वीडियो को पहले देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि मैं और तरीके आपको बताऊं तो आप तक मेरा ये क्वेश्चन जल्दी से मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और आप मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।